नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। बुरहानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी के बीच पुतला फूंकते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों को बेइज्जत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में नोटिस लगाया जा रहा है कि किस किसान ने कितना कर्ज लिया है। अगर कांग्रेस अपना रवैया नहीं बदलती तो भाजपा आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। कलेक्टर ऑफिस के सामने वहाँ पे ज्ञापन सौंपा था, पर मध्य प्रदेश सरकार के दिमाग के जू भी नहीं देख रही है। पर तुरंत कल सवेरे के समय की बात है, बड़वानी जिले के हमारे मंडल अध्यक्ष जो टहलने निकले थे सवेरे के समय में, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने आगे उनकी हत्या कर दी। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है इनका कहीं से मतलब काबू में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार सब पूरी पब्लिक को मध्य प्रदेश को गुमराह कर रही है। उन्होंने बड़े बड़े वादे कर लिए हैं, बहुत बड़ी घोषणा कर डाली है, उनसे हो नहीं रहा है। ना कानून व्यवस्था संभाली जा रही है, ना कोई व्यवस्था संभाली जा रही है। एक महीने में ही मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था, अपने 15 साल में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने इसको राम राज्य के टाइप का बना दिया था। सब जगह सुख शांति थी, गरीब लोग भी सुखी थे, सबके मकान बन रहे थे, किसानों को बिना ब्याज के कर्जा मिल रहा था, सब तरफ शांति का माहौल था। लेकिन एक महीने में ऐसा क्या हो गया मध्य प्रदेश में जो सब जगह हत्या हो रही है, लूटपाट हो रही है। हम उसी के विरोध में ये सब जगह आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा जो पुराना जो मध्य प्रदेश। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।